कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सुनील जाखड़ की तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सुनील जाखड़ ने भी अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। पंजाब के चुनावों के बीच कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी रह रहकर सामने आती थी। सुनील जाखड़ को आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सुनील जाखड़ पंजाब चुनाव के दौरान कई बार मनजिंदर सिंह सिरसा उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रवेश सिंह वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उनका स्वागत करते हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील जाखड़ का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। सुनील जाखड़ किसानों के नेता के तौर पर वहां पर जाने जाते थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की भूमिका जो पंजाब में थी, जो सिद्धू की भूमिका थी, उसको लेकर वो कई बार सवाल खड़े कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। जैसा अभी अनिल बलूनी जी ने आपके सामने इस विषय को रखा है कि सुनील जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं, प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, LOP भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह, एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, मोर देन 550 किलोमीटर्स बॉर्डर इज अलोंग विद पाकिस्तान। देर आर इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स, देर आर इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म, देर आर इश्यूज वेयर The endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on, which may be detrimental to India. तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवश्यकता है।